अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सैदा में आपका स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है बीटरूट की सब्ज़ी, जिसे शलजम भी कहते हैं। तो मैंने चाहा मेरी ये रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं। ये सब्ज़ी जो है विटामिन से भरी होती है, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये बीटरूट, जिसे शलजम कहते हैं, इस सब्ज़ी को मैंने किस तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए हम सब्ज़ी बनाने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे वॉश कर लूँगी अच्छे से, फिर मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इसे ऊपर का जो छिलका है इसका, उसे निकालूँगी। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से छिल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे बीट को, ऊपर का जो छिलका है, इसे निकाल लूंगी। मैंने सारे बीट के जो ऊपर के जो छिलके हैं, उसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं उस हिसाब से कट कर लूँगी, बीटरूट के जो है उसके जो है चार हिस्से कर लूँगी, इस तरीके से चार हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। डिवाइड करने के बाद मैं इसे स्लाइस में कट करूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से कट कर रही हूँ उन्हें सारे बीट। ये देखिए, मैंने बीटरूट, जिसे शलजम भी कहते हैं, उसे मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और इन्हें वॉश नहीं करना है कट करने के बाद, क्योंकि इसका विटामिन और जो कलर है वो निकल जाएगा। तो चलिए हम इस सब्जी को बनाने के लिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इस कढ़ाई में मैं बीटरूट की सब्जियों को रेडी करूंगी। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाह। दो चम्मच भरकर तेल, तेल को इस कढ़ाई में डालने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच जीरा और एक लाल सूखी मिर्च ऐड करूंगी। उसके बाद हल्का सा इन्हें सौटे होने दूंगी। एक मीडियम साइज के प्याज को डाल दूंगी मैं इस कढ़ाई में। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक का इस तेल में मैं फ्राई कर लूंगी इन्हें। करीबन एक से दो मिनट तक का प्याज को इस तेल में भून लेना है। मैं ये सब्जी कम मसाले में बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि ये मसालेदार बनेगी तो उतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितना कम मसालों में ये टेस्टी बनेगी। इसलिए मैं इस सब्जी में
बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए प्याज जो है हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी तीन से चार हरी मिर्च। ऐड कर दिया है, उसे मैंने बीच में से कट कर लिया था। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहिए तो उसे स्किप कर सकते हो। मैंने मेरे तीखे के हिसाब से इसमें डाला है क्योंकि मैं ये सब्जी थोड़ी सी चटपटी बनाने वाली हूँ। एक से दो सेकंड तक का हरी मिर्च को हल्का सा तेल में भून लेना है। अब मैं इसमें सब्जियों को ऐड कर दूंगी। इसमें आप एक मीडियम साइज का आलू भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज इसमें ऐड कर सकते हो। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज डालिए, मैंने मेरे हिसाब से इसमें डाला है। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से इस सब्जियों को मिक्स कर लूंगी मसालों के साथ। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर मैं करीबन 2 मिनट तक का अच्छे से इसे भून लूंगी। बस हल्की हल्की सॉफ्ट कर लूंगी सब्जियों को, फिर इन्हें मैं ढककर 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 12 से 15 मिनट में जो सब्जियां है वो बनकर तैयार हो जाएगी। सब्जी को बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। और ये सब्जी रोटी या पराठे से खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। सब्जी और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर 1 से 2 मिनट तक का अच्छे से भून लिया है। सब्जी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और ये हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इन्हें मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर। और बीच बीच में इन्हें चेक भी करते रहना है क्योंकि सब्जियां जो है नीचे से लगे ना। तो चलिए 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए सब्जियों को छोड़ देते हैं। तो चलिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, सब्जियों को चेक करते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी कटा हुआ। अब इन्हें मिक्स कर लूंगी। बीटरूट की चटपटी और विटामिन भरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करके आपको बताती हूँ।